बास्केटबॉल कैसे खेलते थे? बास्केटबॉल एक टीम गेम है। बास्केटबॉल को 28 बाय 15 मीटर के साइज वाले कोर्ट में खेला जाता है। इस खेल में 5-5 प्लेयर्स दोनों तरफ होते हैं। हर किसी का लक्ष्य एक दूसरे के बास्केट में बॉल डालकर स्कोर करके हराना होता है। बास्केटबॉल कोर्ट में खेलने के लिए खिलाड़ियों का चुनाव इस प्रकार से होता है: पॉइंट गार्ड, सेंटर्स, फॉरवर्ड्स। इस खेल को खेलने के लिए ड्रिबल, पास और शूटिंग की जरूरत होती है। ड्रिबलिंग, शूटिंग, पासिंग, रिबाउंडिंग इत्यादि बास्केटबॉल के आम कौशल माने जाते हैं। बास्केटबॉल खेल के कुछ बुनियादी नियम हैं। हर टीम में 12 प्लेयर्स होते हैं, जिनमें से एक वक्त में सिर्फ 5 प्लेयर्स ही कोर्ट में खेलते हैं। कोर्ट के जिस जगह से बॉल को बास्केट के अंदर स्कोर किया जाता है, उसी हिसाब से पॉइंट्स मिलते हैं। 3 पॉइंट गोले के बाहर से 3 पॉइंट्स और 3 पॉइंट सर्कल के अंदर से 2 पॉइंट्स। फाउल होने पर फ्री थ्रो दिया जाता है। एक फ्री थ्रो का 1 पॉइंट होता है और एक फाउल में अधिकतम 3 फ्री थ्रो होती है। बॉल को कोर्ट में सिर्फ ड्रिबलिंग या पासिंग से आगे बढ़ाया जाता है। हर टीम को स्कोर करने के लिए 24 सेकंड्स का समय दिया जाता है। स्कोर करने के बाद बॉल विरोधी टीम को दे दी जाती है और वो टीम विरोधी टीम पर स्कोर करने का प्रयास करती है। बास्केटबॉल खेलते वक्त फाउल्स और वायलेशंस भी हो सकते हैं। स्कोर शीट में फाउल दो तरीके से नोट किया जाता है, एक व्यक्तिगत फाउल और दूसरा टीम फाउल। कोई भी प्लेयर 5 पर्सनल फाउल तक कर सकता है। 5 फाउल से ज्यादा करने पर वो गेम से बाहर हो जाएगा। टीम फाउल में अगर कभी भी फाउल होता है तो 2 फ्री थ्रो दी जाती है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों के द्वारा किए जाने वाले कुछ उल्लंघन इस प्रकार हैं: ट्रैवलिंग, ड्रिबलिंग करते वक्त मुख्य पैर को उठाने या हटाने पे ये उल्लंघन दिया जाता है। 2 बारी ड्रिबल करने पर, जब प्लेयर बॉल को ड्रिबल करने के बाद रुक जाता है, उसके बाद उसे पास देना या शॉट मारना चाहिए, लेकिन जब वो दोबारा ड्रिबल करता है तो ये एक उल्लंघन है। फाउल हमेशा स्कोर शीट पर नोट किया जाता है और वायलेशन स्कोर शीट पर नोट नहीं किया जाता है। क्यों दोस्तों, क्या आप बास्केटबॉल खेलने के लिए तैयार हैं?